थोड़ा सा ज़्यादा ऐसी संभावना प्रतीत हो रही है कि संभवतः वो स्कैप कर गया है, यहाँ से भाग गया है, जिसके संदर्भ में जेल जेल के अधीक्षक द्वारा तहरीर दी गई है, उस पर अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में उसके गृह स्थान चौकी अन्य जगहों पर भी पुलिस की टीम रवाना है, उसकी तलाश जारी है। कहे का आरोपी था सर, ये कितने दिनों से बंद था? ये 6 फरवरी 2021 से गिरवा थाने से चोरी के आरोप में आया था और तब से ये जेल में बंद था। इसको जैसा कि जेल के अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है, ये जेल के बाहर सामान आती है काम करने के लिए, खेतों में बगीचे वगैरह में कैदियों से जो काम दिया जाता है वो कमान कहते हैं उसको, कमान के रूप में रविवार को आता रहा है बाहर और नीचे रखवा के दिन, इसी उसमें जो है अपनी भागने की तैयारी। सर कितनी टीमें लगाएंगे यहाँ तक इसकी गिरफ्तारी के लिए? अब इसकी गिरफ्तारी के लिए गिरवा से भी 2 टीम लगाई गई है, शहर कोतवाली से भी 3 टीमें बनाई गई हैं और रात भर जो है वो बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और भी संभावित स्थानों के और आसपास के मोहल्लों में आउटर दीवार के इर्द गिर्द चोट लगा करके चेकिंग कराई है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। सर जेल में, चित्रकूट जेल में घटना के बाद और बांदा में मुख्तार अंसारी है जेल में, तो किसकी लापरवाही मानते इतनी बड़ी घटना हो गई है? अब ये देखिए जेल के अंदर का मामला है, इसके बारे में आपको जेल अधीक्षक ही बता सकते हैं। सर जेल अधीक्षक कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कभी सामने आते ही नहीं है सर। अगर ये बाहर से घटना होती तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने की स्थिति में होता जी। ये जेल के प्रमाइसेज के अंदर का मामला किसी है जी, तो इसके बारे में वही टिप्पणी कर। सर चप्पे चप्पे में 3 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उसका क्या? आप ड्यूटी पर हैं? जी सर। हाँ कितने लोग यहाँ पर लगे? कार्रवाई करेंगे पक्का, बताया अभी आए ना ऊपर से सर को पक्का कार्रवाई करने आए। No, no, no.